राजस्थान सीएम अशोक गहलोत भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 80 लाख पेंशनरों को अग्रिम पेंशन दी है, साथ ही गरीब और बेसहारा लोगों के लिए 2500 रुपए दिए हैं। हमने तेजी से कोरोना परीक्षण पर जोर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से परीक्षण किट विफल हो गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडब्ल्यूसी की बैठक में शामिल हुए। साथ ही राजस्थान में किए जा रहे कोरोना से संघर्ष के कामों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने परीक्षण में गति लाई, लेकिन किट फेल होने से सारी तैयारियों में ब्रेक लग गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना महामारी से लड़ने के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 80 लाख पेंशनरों को अग्रिम पेंशन दी गई है, साथ ही गरीब बेसहारा लोगों को 2500 रुपए दिए गए हैं। साथ ही 10 किलो गेहूं देने की बात भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जी प्रीत, क्या कुछ अपडेट है? देश भर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं सोनिया गांधी ने मीटिंग ली है और तैयारियों का जायजा लिया है। जी बिल्कुल, 21,000 के पार पा चुका है ये जो कोरोना वायरस के एक्टिव मामले हैं देश भर में। ऐसे में कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी बैठक बुलाई है। पिछले 10 से 15 दिनों में कांग्रेस की ये दूसरी सीडब्ल्यूसी बैठक है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस के जो जहाँ पर सत्ता है वहाँ के मुख्यमंत्री, इसके साथ ही तमाम जो वरिष्ठ नेता है, जो सीडब्ल्यूसी मेंबर है, वो शामिल हुए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। सोनिया गांधी ने बैठक में ये कहा कि भाजपा जिस तरीके से नफरत और सांप्रदायिक पूर्वाग्रह से वायरस जो फैला रही है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उन्होंने कैसे तमाम जो लेबर्स हैं, तमाम जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो काम कर रहे हैं और तमाम जो उनको सुविधाएं मिल रही है उसका अभाव होने के बावजूद वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और देश इन कोरोना वॉरियर्स की मदद से अब तक जो है लड़ रहा है कोरोना। जी प्रीत, साथ में ये भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि जिन लोगों के रोजगार छिन चुके हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं, उनको भी मदद करने की बात उन्होंने कही है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो मजदूर हैं, छोटे कामगार हैं, किसान हैं, जो वेतन भोगी वर्ग हैं, उनके लिए एक पैकेज सरकार को ऐलान करना चाहिए, ऐसा सुझाव कांग्रेस पार्टी ने दिया है। राहुल गांधी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी ये मुद्दा उठाया। उन्होंने ये कहा कि फाइनेंस सेक्टर में सरकार को काम करने की जरूरत है, सभी राज्यों में हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना चाहिए और जो प्रवासी मजदूर है जो कि अन्य राज्यों में जाकर काम कर रहे थे और वहां फंस गए हैं, उनको राहत देने के लिए केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए। हालांकि ए के एंटनी जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो एनआरआई लोग हैं, जो देश के बाहर फंसे हुए हैं, उनको देश में वापस लाने के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से भी एक राहत पैकेज का ऐलान किया गया है। 31,000 करोड़ रुपए के जो राहत पैकेज है उसका ऐलान किया गया है। इसमें जो तमाम जो लोग हैं उनको ये वित्तीय सहायता दी जाएगी, चाहे महिलाएं हैं, जनधन खाता जिन लोगों के पास है उनको ऐसी मदद दी जाएगी। जी, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए थे, क्या कुछ अपडेट उन्होंने दी राजस्थान को लेके?
देखिए राजस्थान बहुत ही अच्छी तरीके से कोरोना के जो मरीज है उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, उनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा है। देश भर में राजस्थान मॉडल की चर्चा की जा रही है, ऐसे में उन्होंने ये बात की और ये कहा कि देश के जो कांग्रेस शासित अन्य राज्य है उनको भी इस भीलवाड़ा मॉडल को अपनाने की जरूरत है। जिस तरीके से राजस्थान में जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको जो है बाकी राज्यों में भी इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हालांकि पिछले दिनों जो रैपिड किट की बात की जा रही थी राजस्थान की तरफ से सबसे पहले इस मामले में शिकायत की गई, जो रैपिड किट है वो ठीक से काम में जी कर रही है भी उन्होंने चर्चा की। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने अपडेट दी CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने फीडबैक लिया। तो वहीं राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राजस्थान में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी।